गांव की बेटी मेघा ने किया भौंती का नाम रोशन। गणित संकाय से जिले में पाई दूसरी रैंक। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भौती कस्बे की बेटी मेघा साहू पुत्री नरेंद्र साहू ने। मेघा के सफलता से पूरे कस्बे में हर्ष की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि मेघा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भौंती से शिक्षा प्राप्त कर गणित संकाय से 12वीं में 94.60% अंक प्राप्त कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। मीडिया को जानकारी देते हुए मेघा ने बताया कि दिन में 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करती थी। उसकी इस सफलता के पीछे उनके घर वालों का भी सहयोग रहा। आगे चलकर मेघा पीएससी की तैयारी करना चाहती है। मेघा की इस सफलता के लिए संपूर्ण साहू समाज सहित पूरे भौंती के लोग, उनके मित्रों व सभी पत्रकार बंधुओं ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। संवाददाता दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। नाम क्या है? मेघा साहू। आप कहाँ की रहने वाली हो? भौती से। हमें आप जानकारी मिली है कि आपकी जो परीक्षा है हुई थी 12वीं की, तो उसमें आपकी कितनी परसेंट बनी है और कैसे क्या हुई, आप उसके बारे में जानकारी दोगे? हाँ, मैथ से थी मैं और उससे मेरी 94.6% बनी है। कौन सी विद्यालय से पढ़ी थी आप? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भौती। तहसील में कौन सी नंबर पाएंगे आप? फर्स्ट रैंक। और जिले में? सेकेंड रैंक। सेकेंड पर आएंगे। तो आपने कैसे क्या तैयारी की, इस बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, वैसे तो मैं कोई शेड्यूल नहीं था पढ़ने का, लेकिन दिन में कम से कम 12 घंटे पढ़ लेती थी। तो आगे इसके बारे में आप क्या बताओगी कि आगे क्या करना है आपको? आगे पीएससी का सोचा, फिर बाद में जो देखा जाएगा वो होगा। तो आपके साथ जो परिवार वालों को क्या महत्व रहा है, परिवार वालों ने क्या आपकी सहयोग किया है, इसके बारे में बताओगी? उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया है। जब भी मैं पढ़ती थी तो कोई मुझे डिस्टर्ब वगैरह नहीं करता था, हमेशा एकांत में रहने दिया बस। और आपकी जो वो परीक्षा आपकी जो सफल हुई है, इतनी सारी परसेंट बनी है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगी, लोगों को क्या संदेश दोगी? कि अब मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि वो भी और अच्छे से मेहनत करें, जिससे उनका और अच्छा स्थान प्राप्त हो, MP की लिस्ट में उनका नाम आए। नरेंद्र कुमार साहू। नरेंद्र कुमार साहू, तो आपसे एक बात पूछनी थी कि आपकी जो बेटी की जिले में सेकंड नंबर पर आई है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बस हमें अपनी इस बेटी को, मतलब जो सेकंड नंबर पर आई है, तो हमें इससे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आपने इनका कैसे सहयोग किया पढ़ाई में, क्या एक बात दिया? पढ़ाई में हमने पूरा सहयोग दिया और हमने उस अपनी बेटी से बोल दिया था, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, घर का कुछ काम मत करो, जो भी खर्चा होगा हम पढ़ाई में लगाएंगे। तो आपकी पूरी सहयोग रहा है इसमें पढ़ाई के लिए? पूरा सहयोग रहा, तन मन धन से। तो आप आगे में बेटी के लिए क्या सहयोग करोगे, आप क्या? जो भी बेटी चाहेगी हम बहुत सहयोग करेंगे, जो भी पढ़ना चाहेगी हम बहुत सहयोग करेंगे उसका। अब आगे इसकी क्या खुशी में क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अब खुशी तो फिर आगे जो मिले करेंगे, कुछ ना कुछ उससे बनेगा।